नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में, आज हम बात करेंगे राजगीर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी तैयारी झोंक दी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे राजगीर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राजगीर विधानसभा जितना राजनीतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा मिली थी, तो वहीं यह हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी धर्मस्थल है। यहाँ की पहाड़ियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। पर्यटकों के लिए यह एक सबसे सुंदर और मनोरम स्थलों में से एक है। इस विधानसभा चुनाव में जदयू और कांग्रेस आमने सामने है। राजगीर से वर्तमान विधायक पार्टी से बागी होकर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं जदयू ने अपने नए कौशल किशोर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लोजपा ने भी यहां से अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। हम राजगीर में चल रहे राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर यहां के राजनीतिक इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम साल 2015 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। तो साल 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू के रवि ज्योति ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने पिछले 8 बार से विधायक रहे सत्यदेव नारायण आर्य को चुनाव में हराया था। रवि ज्योति ने सत्यदेव नारायण आर्य को 5,390 वोटों से हराया था। रवि ज्योति वर्तमान में कांग्रेस का दामन थाम कर पंजा छाप चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि राजगीर विधानसभा नालंदा जिले का एक हिस्सा है। राजगीर विधानसभा में सबसे ज्यादा 7 बार भाजपा को जीत मिली है, लेकिन पिछले चुनाव में जदयू को जीत मिली थी। साल 2010 की बात करें तो 2010 विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा के सत्यदेव नारायण ने बाजी मारी थी। सत्यदेव नारायण आर्य ने चुनाव में 50,648 वोट हासिल किए थे। वहीं लोजपा के उम्मीदवार धनंजय कुमार ने 23,697 वोट हासिल किए थे। तो वहीं इस तरह से सत्यदेव नारायण आर्य ने धनंजय कुमार को 26,951 वोट के बड़े अंतर से हराया था। साल 2005 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2005 विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट से भाजपा के टिकट पर सत्यदेव नारायण आर्य ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव नारायण आर्य ने चुनाव में 36,344 वोट हासिल किए थे। वहीं यहां पर सीपीआई कैंडिडेट अर्जुन पासवान को 10,328 वोट ही मिले थे। इस तरह से सत्यदेव नारायण आर्य ने अर्जुन पासवान को 12,937 वोट से हराया था। अब बात साल 1957 की करें तो 1957 में राजगीर सीट से सीएनपी एसपी जेपी के कैंडिडेट श्याम सुंदर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1962 में राजगीर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट बलदेव प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर जय प्रसाद ने कांग्रेस को मात दी थी। 1969 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट यदुनंदन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1972 के विधानसभा चुनाव में राजगीर से सीपीआई के उम्मीदवार चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु ने जनता का भरोसा हासिल किया था। इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट पर जेएनपी के टिकट पर सत्यदेव नारायण आर्य ने विरोधियों को मात देने में सफलता हासिल की थी। अब हम चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। आम जनता विधायक के 5 साल के कार्यों का विश्लेषण करने में लगे हैं। राजगीर प्रखंड का भवन नहीं बना है। गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों का पक्कीकरण नहीं हो सका है। पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। राजगीर में रहने वाले सफाई कर्मी को अब तक आवास नहीं मिल सका है। सकरी और पंचाने नदियों पर अब तक पुल नहीं बना है। राजगीर को नगर परिषद का दर्जा नहीं मिला है। शहर में जाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। चुनाव का सिलसिला जारी है, लेकिन शहर की सूरत नहीं बदली है। कई नेताओं की तकदीर बनी, लेकिन राजगीर का विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र में उच्च शिक्षा की नहीं हो पाई कोई व्यवस्था। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। किसानों के समक्ष सिंचाई समस्या आज भी बरकरार है। शहर में पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कई मोहल्ले में पाइपलाइन का विस्तार भी नहीं किया गया है। राजगीर विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में एनडीए के खाते में यह सीट जदयू के हिस्से में गई है। जदयू ने यहां से कौशल किशोर को टिकट दिया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा में भी यहां से जदयू की ही जीत हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीदवार के ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो वहीं कांग्रेस ने जदयू के बागी नेता रवि ज्योति कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इस विधानसभा पर लंबे समय से भाजपा और जदयू का कब्जा रहा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि राजगीर की जनता किसे वोट करती है और उसे अपना नेता मानती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।